गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास BA थर्ड ईयर, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑल माई सन्स जो प्ले है आपको सिलेबस में, उसकी मैंने आउटलाइन समरी करवाई थी आपको। उससे पहले मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे दी थी और करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। उम्मीद है वो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी और पता चल गया होगा कि उस स्टोरी में क्या है। आज हम जो आपके को प्ले लगा है ऑल माई सन्स, उसका मैं आपको प्ले है वो पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही छोटा सा प्ले है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कुछ ही दिनों में ये कवर हो जाएगा, तो आप कंटिन्यू इसको देखते रहिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले हम प्ले पढ़ लें ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन जब आए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई लाइन आ जाती है प्ले में से निकल के, ये किसने किसको कही एक्सप्लेन करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन्स है जो किसने किसको बोली थी, वो आपको प्ले पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए छोटा सा नॉवल है, बहुत ही छोटा सा प्ले है, बहुत ही छोटा सा प्ले है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई मीनिंग नहीं पता चलता, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल माई सन्स आर प्ले इन थ्री एक्ट्स, तीन एक्ट्स में ये प्ले है, ठीक है। बाय आर्थर मिलर, अमेरिकन राइटर है ये। इसमें करेक्टर्स हैं जो वो हम पढ़ लेते हैं। जॉक एलर, मैंने आपको बताया था फैमिली के एक बारे में स्टोरी है जिसमें सबसे बड़ा जॉक एलर है, उसकी जो वाइफ है कैट कैलर, उसका लड़का क्रिस कैलर, एना डेवर, जॉर्ज डेवर, ये दोनों स्टीव डेवर के बेटा और बेटी हैं। डॉक्टर जिम बायलस, जिसको जिम कहते हैं, ये इनका पड़ोसी होता है। स्यू बायलस इसकी वाइफ होती है। फ्रैंक लुबे एक एस्ट्रोलॉजर है, पंडित है जो भविष्यवाणी करता है। लिडा लुबे जो होती है वो फ्रैंक की वाइफ होती है। और जो बर्ट है वो इनके घर के पास रहने वाला एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले प्ले है इसलिए इसमें एक स्टेज बनाई जाती है। आपको पता है ना प्ले कैसे खेले जाते हैं, एक स्टेज बनाई जाती है जिसपे पर्टिकुलर जो होते हैं घर बनाए जाते हैं, उसका एटमोसफेयर वैसा बनाया जाता है और स्टेज के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस की जाती है। आपने कॉलेज और स्कूल में कभी प्ले किया होगा ना, तो ये एक छोटा सा प्ले है। तो पहले हम इसकी इंट्रो पढ़ेंगे कि स्टेज पे क्या हो रहा है, स्टेज कैसी बनी हुई है, वो इंट्रो दी हुई है हमें। द बैकयार्ड ऑफ द कैलर हाउस इज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अमेरिकन टाउन अगस्त ऑफ अवर एरा। अगस्त का महीना है। जो कैलर का घर है वो अमेरिकन टाउन में है, बैकयार्ड पीछे की साइड में है। द स्टेज इज हेजड ऑन राइट, राइट की तरफ से स्टेज जो है वो चौड़ी है, एंड लेफ्ट बाय टॉल, और लेफ्ट से वो लंबी है। क्लोजली प्लांटेड पॉपुलर विच लैंड द यार्ड शेड्यूल्ड एटमोस्फियर, और पॉपुलर जो उसमें क्लोजली प्लांटेड पॉपुलर्स जो हैं उसमें प्लांट मतलब स्टेज को डेकोरेट किया गया है। अपस्टेज इज फिल्ड विद द बैक ऑफ द हाउसेज, जो अपस्टेज है वो हाउस की बैक के साथ फिल की गई है, एंड इट्स ओपन। अनरूफ्ड पोर्च, पोर्च जो है अनरूफ्ड है, उसके ऊपर छत नहीं है। विच एक्सटेंड्स इन टू द यार्ड सम 6 feet, और उसको एक्सटेंड करके एक यार्ड बनाया गया जो कि 6 feet का है। द हाउस इन टू स्टोरी स्टोरीज हाई, हाउस है जो एक घर बना स्टेज पे वो 2 stories, मतलब उसमें फर्स्ट फ्लोर भी है और ग्राउंड फ्लोर भी है, एंड 7 rooms, और उसमें 7 कमरे बनाए गए हैं। इट वुड हैव कॉस्ट परहैप्स 15,000 इन आ अर्ली 20th, और उस टाइम में अर्ली 20th century में इस घर की कीमत है जो वो कितनी है, 15,000 है, when it was built, जब इसको बनाया गया था। Now it is nicely painted, इसको बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया गया है। Looks tight and comfortable, दिखने में कम्फर्टेबल, एंड यार्ड इज़ ग्रीन एंड विद सोड, यार्ड है जो बाहर का बना हुआ जगह है वो ग्रीन कलर की, एंड हेयर एंड देयर प्लांट्स हुज सीज़न इज़ गोन, और आसपास प्लांट्स लगे हुए हैं जिनका सीज़न जा चुका है।
एट द राइट राइट साइड में बिसाइड द हाउस, हाउस के राइट साइड में द एंट्रेंस ऑफ द ड्राइववे कैन बी सीन. आप एंट्रेंस दे सकते हो ड्राइववे, मतलब कोई भी पार्किंग वगैरह घर की करनी है गाड़ी वगैरह की, तो वो एंट्रेंस राइट साइड में रखा गया है. बट द पॉपुलर्स कट ऑफ व्यू ऑफ इट्स कंटिन्यूस डाउनवर्ड्स इन द लेफ्ट कॉर्नर. लेफ्ट कॉर्नर में क्या है, डाउन स्टेज नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं. स्टार्ट्स द फोर फुट हाई स्टम्प ऑफ ए सिलेंडर एप्पल ट्री हूज अपर ट्रंक एंड ब्रांच लेड लाइट टॉप्ड बिसाइड इट फ्रूट स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू इट्स ब्रांचेस. और वहाँ पे देखने से फोर फुट जड़ा हाई एक पेड़ है, एप्पल ट्री है, हूज ट्रंक एंड ब्रांच लाइट टॉप्ड बिसाइड इट, और उस पर फ्रूट है जो उसके ब्रांचेस पे वो क्लिंग लटके हुए हैं. डाउन स्टेज राइट्स इज अ स्मॉल, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं राइट में एक स्मॉल जो है शेप्ड लाइक का सी सेल है विद अ डेकोरेटिव बल्ब हैंगिंग फ्रॉम इट्स फॉरवर्ड कर्विंग रूफ, और उसकी छत पे बहुत ही सुंदर कलरफुल जो बल्ब लगाए गए हैं. कर्टन चेयर्स गार्डन चेयर्स हैं, टेबल आर सेक्रेटेड अबव, वहाँ पे उनके बीच में टेबल रखा गया है. गार्बेज पेल्स ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट टू द पोर्च स्टेप्स अ वायर लीफ बर्नर नियर इट, और गार्बेज पेल ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट टू द पोर्च स्टेप, पोर्च स्टेप के नेक्स्ट साइड ही गार्बेज पेल रखा गया है, और अ वायर जो है बर्नर, वायर बर्नर है जो, बर्नर मतलब जो भट्टी होती है वो रखी हुई है. ऑन द राइज इट इज़, अब जब नॉवल प्ले है ओपन होता है, इट इज़ अर्ली संडे मॉर्निंग, दिन कौन सा है, संडे मॉर्निंग है. जॉ कैलरी सिटिंग इन द सन रीडिंग द वांट एड्स ऑफ द संडे पेपर, और जो कैलर है जो वो सन में बैठा, सन के नीचे बैठा हुआ, धूप में बैठा हुआ क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसमें एड्स पढ़ रहा है संडे न्यूज़पेपर में. द अदर सेक्शंस ऑफ विच लाई नीटली ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम बिहाइंड हिज बैक, उसके पीछे इनसाइड द एबोर डॉक्टर जिम वायलेस इज रीडिंग पार्ट ऑफ द पेपर एट द टेबल, और उसके जो पेपर की दूसरी साइड सामने जिम वायलेस बैठा है डॉक्टर, जो कि टेबल पे रखा हुआ पेपर है उसका पार्ट रीड कर रहा है. कैलरी इज नियरली 60, जो जॉ कैलर है वो 60 का है, 60 साल का है. अ हैवी मैन ऑफ सूल्ड अ माइंड एंड बिल्ड अ बिजनेस मैन, और वो हैवी है शरीर से, काफ़ी हैवी है, बिजनेस मैन है दीज मैनी ईयर्स, काफ़ी समय से वो एक बिजनेस मैन है. बट विद द इम्प्रिंट ऑफ द मशीन शॉप वर्कर एंड बूस बॉस स्टिल अपॉन हिम. When he reads, जब वो पढ़ रहा था, when he speaks, जब वो बोल रहा था, when he listens, जब वो सुन रहा था, it is with the terrible concentration of the uneducated man for whom there is still wonder in many commonly known things. जब वो बोलता था, जब वो सुनता था, जब वो पढ़ता था, तो इट इज़ विद द टेरिबल कंसंट्रेशन ऑफ द अनएजुकेटेड मैन. अनएजुकेटेड मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी एक कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा भयंकर थी. फॉर हुम देयर इज स्टिल वंडर इन मैनी कॉमनली नोन थिंग्स, उसको बहुत सारी जो कॉमन चीज़ें हैं उनके बारे में पता था. अ मैन हु जजमेंट्स मस्ट बी डिग्रेक्ट आउट ऑफ एक्सपीरियंस, उसका मैन की जजमेंट इतनी अच्छी थी, आउट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब उसको ज़िंदगी के तजर्बों से मिली थी. एंड अ पीजेंट लाइक कॉमन सेंस, और उसकी कॉमन सेंस है जो वो बहुत ही वास्ट थी. अ मैन अमंग मैन, और वो एक आदमियों के बीच एक आदमी था. डॉक्टर बायलेस इज नियरली 40, डॉक्टर बायलेस है जो वो 40 साल का था. अ वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड मैन एन ईजली टॉकर, आराम से बात करने वाला, सेल्फ कंट्रोल मतलब उसका अपने आप पे खुद पे कंट्रोल था. बट विद अ विस्प ऑफ सैडनेस दैट क्लिंग्स इवन टू हिज सेल्फ अफेसिंग ह्यूमर, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था जो उसके मन को उदास कर रहा था. एट कर्टन जिम इज स्टैंडिंग एट लेफ्ट स्टेयरिंग एट द ब्रोकन टी, जब प्ले शुरू होता है, कर्टन उठता है, तो जिम है वो लेफ्ट साइड खड़ा है और वो ब्रोकन ट्री जो पेड़ है टूटा हुआ उसको देख रहा है. ही टैप्स अ पाइप ऑन इट
below through the pipes, feels in his pockets for the tobacco, then speak. Feels in his pockets for tobacco. He taps a pipe on it. वो पाइप के आगे जो है टैप टैप के ऊपर पाइप लगाता है. ब्लोज थ्रू द पाइप, पाइप को छोड़ता है. फील इन हिज पॉकेट फॉर तंबाकू, अपने पॉकेट में से तंबाकू ढूंढने की कोशिश करता है और बोलता है. अब उनकी आपस में कन्वर्सेशन शुरू होने जा रही है. जिम बोलता है वेयर्स योर तंबाकू, वो कहता है कि तुम्हारा तंबाकू क्या है, कहाँ है. कैलर कहता है कि आई थिंक आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल, कहता है कि शायद मैं उसको टेबल पर छोड़ आया हूँ. जिम गो स्लोली टू द टू टेबल ऑन द एबोर. एबोर मतलब होता है कि जो घर के बाहर थोड़ी सी बालकनी हमने छोड़ी होती है, वहाँ के टेबल पे धीरे से जाता है. फिंग्स अ पोच पाउच, फिंग्स अ पाउच, पाउच को उठाता है एंड सिट देयर ऑन द बेंच, और बेंच के ऊपर बैठ जाता है. फिलिंग हिज पाइप, और अपनी पाइप को भरना शुरू करता है. कैलर बोलता है गोना रेन टू नाइट, कहता कि आज रात को बारिश आई थी. पेपर से सो, कहता कि ये तुम्हें पेपर ने बोला है, मतलब तुम जो पेपर पढ़ रहे हो उसमें लिखा है कि आज बारिश आएगी. या राइट हियर, कहता हाँ यहाँ पे लिखा है. जिम दैट देन इट्स इट कांट रेन, तो कहता बारिश नहीं आ सकती अगर न्यूज़पेपर में लिखा है तो. फ्रैंक लुबे एंटर्स, अब फ्रैंक लुबे आता है थ्रू अ स्मॉल स्पेस बिटवीन द पॉपुलर, और जो जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ पे बहुत थोड़ी सी स्पेस में से आता है. फ्रैंक इज़ 32 साल का है बट बैडलिंग, पर वो बड़ा लगता है. अ प्लेजेंट ओपिनेटेड मैन, अनसर्टन ऑफ हिमसेल्फ, विद अ टेंडेंसी टू वर्ड पविशनेस वैन क्रॉस्ड बट ऑलवेज वॉन्टिंग इट प्लेजेंटली एंड नेबरली, कहते कि वो बहुत ही प्लेजेंट, अच्छी तरह से मिलने वाला बंदा, ओपिनियन देने वाला बंदा है. अनसर्टन ऑफ हिमसेल्फ विद अ टेंडेंसी टू वर्ड वैन क्रॉस्ड बट ऑलवेज वॉन्टिंग इट प्लेजेंटली एंड नेबरली, पर वो जब भी मिलता है हमेशा वो चाहता है कि वो बहुत खुश हो के लोगों को मिले और नेबरली अपने नज़दीक से मिले. ही रैदर सेंटर इन नथिंग टू डू, उसके पास कुछ भी नहीं है करने को. ही डज नॉट नोटिस जिम इन द एबोर, वो जॉ कैलर के पास आता है पर उसको जिम है वो दिखाई नहीं देता. ऑन हिज ग्रीटिंग जिम डज नॉट बॉदर लुकिंग अप, और जो जिम होता है वो भी उसको देखना कोई बॉदर नहीं करता, परवाह नहीं करता. फ्रैंक कहता है हाय, आके बोलता है हाय, हेलो हाय करता है. कैलर हेलो फ्रैंक, व्हाट्स डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. फ्रैंक कहता है नथिंग, कुछ भी नहीं, वॉकिंग ऑफ माय ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट करके आया हूँ. लुक्स अप एट द स्काई, स्काई की तरफ देखता हुआ बोलता है दैट ब्यूटीफुल, नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, कहते कितना अच्छा है ना. नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो बादल ही नहीं है. कैलर लुकिंग अप, कैलर भी देखता है या नाइस, कहता हाँ बहुत अच्छा है. फ्रैंक कहता है एवरी संडे ऑट टू बी लाइक दिस, कहता हर संडे ऐसा होना चाहिए. कैलर इंडिकेटिंग टू सेक्शंस बिहाइंड हिम बिसाइड हिम वांट द पेपर, उसकी तरफ देखता हुआ बोलता है कि क्या तुम्हें पेपर चाहिए, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है. फ्रैंक कहता है व्हाट्स द डिफरेंस, इट्स ऑल बैड न्यूज़, कहता कि उसमें क्या फ़र्क है, सभी इसमें बैड न्यूज़ होंगी, कोई अच्छी खबर तो होगी नहीं. व्हाट्स टुडे क्लैमिटी, कोई अच्छी खबर तो मिलने वाली नहीं है. आई डोंट नो, आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर एनीमोर, कहता कि मेरे को नहीं पता, मैं तो कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ को रीड नहीं करता. इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द वांट एड्स, कहता मैं सिर्फ न्यूज़पेपर में एड्स पढ़ता हूँ जो लोगों द्वारा दी जाती है कि हमें ये परचेज़ करना, हमें वो परचेज़ करना है, तो वो मैं एड्स पढ़ता हूँ. वाई, फ्रैंक पूछता है वाई यू ट्राइंग टू बाई समथिंग, कहते क्यों तुमने कुछ खरीदना है क्या जो तुम एड्स पढ़ रहे हो. नो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड, कहता कि नहीं मुझे कुछ खरीदना नहीं है पर मैं इंटरेस्टेड हूँ. टू सी वट पीपल वॉन्ट, आई यू नो टू सी वट पीपल, ये देखने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं, कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है. फॉर इंटेंस हियर्स अ गाई इज लुकिंग फॉर टू न्यू फाउंड लैंड्स डॉग, यहाँ पे देखो एक लड़का है जो जो न्यू फाउंड लैंड डॉग्स चाहता है. नाउ वट्स ही वॉन्ट विद टू, कहते अब तुम बताओ कि वो इन दो डॉग्स है जो उनका क्या करेगा. दैट इज़ फनी, फ्रैंक कहता है कि हाँ ये तो बहुत फनी बात है.
कैलर कहता है हियर्स अनदर वन, यहाँ एक और भी ऐड है, वांटेड ओल्ड डिक्शनरी, उसको ओल्ड डिक्शनरी चाहिए, पुरानी डिक्शनरीज, हाई प्राइजेस पेड, वो इसके लिए बहुत पैसा भी देने के लिए तैयार है. नाउ व्हाट्स अ मैन गोइंग टू डू विद एन ओल्ड डिक्शनरी, वो बताओ कि वो आदमी इतना पैसा दे के उस पुरानी डिक्शनरीज का क्या करेगा. वाई नॉट प्रोबेबली या बुक कलेक्टर कहता क्यों नहीं, क्या पता वो बुक कलेक्टर हो, उसको बुक्स इकट्ठी करने का शौक हो. यू मीन ही विल मेक अ लिविंग आउट ऑफ दैट, वो कहता है कि यू मीन कि तुम्हारा मतलब है ही विल मेक अ लिविंग आउट ऑफ दैट भी, तो वो इनके साथ रहता है, बुक्स के साथ रहना पसंद करता है. फ्रैंक श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ देम, कहता हाँ, कहते ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं. कैलर शेकिंग इज हेड, कैलर अपना जो सिर है उसको घुमाता हुआ बोलता है, ऑल द काइंड ऑफ बिजनेस गोइंग ऑन इन माई डे, आइदर यू वर अ लॉयर और अ डॉक्टर और यू वर्क इन अ शॉप नाउ, ऑल काइंड ऑफ द बिजनेस गोइंग ऑन, कहते सब तरह के बिजनेस चल रहे हैं इन माई डे, मेरे दिनों में, चाहे तुम वकील हो, चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम शॉप पे काम करते हो. नाउ अब फ्रैंक बोलता है वेल आई वॉज गोइंग टू बी अ फ्रॉस्टर वंस, कहते कि मैं एक बार फ्रॉस्टर बनने जा रहा था. वेल दैट शो यू, कहता हाँ ये दिख रहा है तुम्हें, इन माई डे, कहता मेरे दिनों में देयर वॉज नो सच थिंग, कहता ऐसी कोई बात नहीं थी मेरे दिनों में. स्कैनिंग द पेज स्वीपिंग इट विद हिज हैंड, यू लुक एट द पेज लाइक दिस, यू रियलाइज हाउ इग्नोरेंट यू आर, सॉफ्टली विद वंडर एज ही स्कैन्स पेज पुश, ठीक है. तो वो यू लुक एट पेज लाइक दिस, यू रियलाइज हाउ इग्नोरेंट यू आर, वो कहता है कि ये पेज देखो, तुम रियलाइज करोगे कि तुमको कितना इग्नोर किया जाता है. फ्रैंक नोटिसिंग ट्री, फ्रैंक जो होता है ट्री को देखता हुआ बोलता है हाई व्हाट हैपन्स टू योर ट्री, वो पूछता है कि तुम्हारे पेड़ को क्या हो गया. कैलर दैट अवेफुल द विंड मस्ट हैव गॉट इट लास्ट नाइट, कहता कि कल रात को जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी. यू हेयर द विंड डिड नॉट यू, तुमने हवा की आवाज़ नहीं सुनी. फ्रैंक बोलता है या आई गॉट अ मैस इन माई यार्ड टू, कहता हाँ मैंने सुनी थी जब मैं अपने यार्ड में था. गोइंग गोज टू ट्री, वट अ पिटी, कहता कितनी दुख की बात है. टर्निंग टू कैलर, कैलर के पास आता है. वट डिड कैलर कैट सी, कैट क्या कहती है. कैलर बोलता है दे आर ऑल अस्लीप येट, कहता कि वो अभी सुस्त हैं, सो रहे हैं. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू सी इट, मैं जस्ट उसकी वेट कर रहा हूँ कि वो कब इसको देखेगी. फ्रैंक यू नो इट्स फनी, कहता तुम्हें नहीं पता ये फनी है. वट, कैलर पूछता है क्या. फ्रैंक कहता है कि लैरी वॉज बॉर्न इन अगस्त, लैरी का जन्म अगस्त में हुआ था. ही हैड बीन 27 दिस मंथ, वो इस मंथ में कितने साल का हो गया, 27 का. एंड हिज ट्री ब्लूज डाउन, और उसका जो दरख्त है वो क्या हो गया, टूट गया, नीचे गिर गया. कैलर टस्ट, आई एम सरप्राइज टू रिमेंबर हिज बर्थडे फ्रैंक, दैट्स नाइस, कहता कि मुझे हैरानी है कि तुम्हें लैरी का बर्थडे याद है. That's nice, कहता बहुत अच्छी बात है. Well, I am working on his horoscope, कहता कि मैं उसकी कुंडली है जो उस पर काम कर रहा हूँ. How can you make him a horoscope, कहते कि तुम उसका horoscope कैसे बना सकते हो. That's for the future, कहते उसके future के लिए, इसी के लिए ना. फैन बोलता है well, what I am doing is this. सी, कहता कि हाँ तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ. लैरी वॉज रिपोर्टेड मिसिंग ऑन नवंबर 25th, कब गुम हुआ था वो, 25 नवंबर को, राइट. कहता हाँ ये तो है. फ्रैंक बोलता है वेल देन वी अज्यूम दैट इफ ही वॉज किल्ड इट वॉज ऑन नवंबर 25th, नाउ वॉट कैट वॉन्ट्स, कहता कि वी अज्यूम दैट, हमने ये सोचा था कि अगर वो ही वॉज किल्ड इट वॉज ऑन नवंबर 25th, अगर उसको मार दिया गया है तो वो नवंबर की 25th तारीख होगी. नाउ वॉट कैलर वॉन्ट्स, पर अब जो कैलर है, कैट है, वो क्या चाहती है. ओ कैट आस्क यू टू मेक अ हॉरोस्कोप, कहता कि अच्छा उस कैट ने तुम्हें कहा है कि उसकी जन्म कुंडली बना के दो.
Yeah, what she wants to find out is whether November 25th was a favorable day for Larry. वो कहती है कि वो फ्रैंक कहता है कि वो कैट ये जानना चाहती है कि लैरी के लिए 25th नवंबर है जो वो फेवरेबल जो डे था या नहीं था, भी उसके लिए बुरा दिन तो नहीं था वो. व्हाट इज़ दैट फेवरेबल डे? कैट कैलर बोलता है कि इसका हम क्या मतलब है कि फेवरेबल डे था या नहीं. फ्रैंक बोलता है वेल अ फेवरेबल डे फॉर अ पर्सन इज अ फॉर्चून डे. कहता है फेवरेबल जो डे होता है वो आदमी का फॉर्चून डे होता है, भी उसके लिए अच्छा दिन होता है. अकॉर्डिंग टू द स्टार्स, जो तारे होते हैं वो बताते हैं. इन अदर वर्ड्स इट वुड बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हैव डाइड ऑन हिज फेवरेट डे. कहता कि मैं दूसरे वर्ड में कहूँ कि अगर उसका ये 25th नवंबर अ फेवरेबल डे था तो उसकी डेथ पॉसिबल नहीं है. वेल, वॉज दैट हिज फेवरेट डे? तो तुम बताओ उसका फेवरेबल डे था या नहीं नवंबर 25th. फ्रैंक, दैट्स वट आई एम वर्किंग ऑन टू फाइंड आउट. कहता यही तो मैं इसी पे तो मैं काम कर रहा हूँ कि उसका दिन अच्छा था या नहीं. इट टेक्स टाइम, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. सी द पॉइंट इज, यहाँ देखो, इफ नवंबर 25th वॉज हिज फेवरेबल डे दैन इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल ही इज़ अलाइव समवेयर. कहते कि अगर नवंबर 25th उसका जिस दिन वो मिस हुआ था उसका फेवरेट डे है, फेवरेबल डे है, तो ये कम्प्लीटली पॉसिबल है कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है. बिकॉज आई मीन इट्स पॉसिबल, क्योंकि मेरी तरफ से ये पॉसिबल है. ही नोटिसिंग जिम टू नाउ, उसने अब जिम को देखा था. जिम इज़ लुकिंग एट हिम एट एन इडियट. जिम उसको ऐसे देख रहा था जैसे कि वो किसी मूर्ख को देख रहा हो. टू जिम विद एन अनसर्टन लाफ, आई डिड नॉट इवन सी यू. वो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा. फ्रैंक बोलता है कि जिम को कि मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा था. ठीक है बेटा, आज यहाँ तक काफ़ी है. ठीक है, कल हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको देख लो. हमने जो है प्ले शुरू कर दिया है. जहाँ से आपको समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हो, पर आपको रूटीन में ये लेक्चर देखना ही देखना है ताकि आप कोई भी लाइन मिस ना कर सको. आपको पता हो कि किस किस किसके साथ बातचीत हो रही थी, प्ले की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग में कौन कौन बात कर रहा होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. ओके बेटा, अगर कोई दिक्कत है हुई, कोई समझ में नहीं आया कुछ, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ओके, बाय बाय.